सो गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होती है, यानी उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रिक विद नीशू। गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आपने देखा होगा स्पेशली फॉर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टडी में मन नहीं लगता है ना, उनसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मतलब क्या है कि आप जब भी स्टडी करने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा मन करेगा गेम खेल ले, थोड़ा मन करेगा फ्रेंड से चैटिंग कर ले, थोड़ा मन करेगा मतलब फनी बातें गपशप ये सब करे, ठीक है, या टीवी देखे या फ़ोन चलाए, ऐसे होता है ना। तो आपको क्या करना है, मतलब तो धीरे धीरे जो है वो स्टडी से डिस्ट्रैक्शंस होने लगती है माइंड हमारा, ठीक है। तो माइंड को कैसे फोकस करना है स्टडी में, ये वीडियो को मतलब आप लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में टिप्स बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस देने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम के हो या पोस्ट ग्रेजुएशंस के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टडी, और स्टडी जो है वो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, सभी लेवल के स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। सो गाइज, देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्टडी में मन लगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सी बात है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब कैसे, तो देखो गाइस, कोई भी जब आप टॉपिक लेके स्टडी करने बैठते हो तो उसमें तो आपका सीरियस है ही नहीं, मतलब कि फोकस आपका नहीं है तो सीरियस तो कभी होगा ही नहीं। मतलब फोकस कहने का मतलब गाइस कि आपके मन में, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट मतलब 1 आवर तक कंटिन्यूसली मुझे स्टडी करना है, फिर बीच में मुझे 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फोकस नहीं लाते, वो माइंड को सीरियस नहीं रखते कि मतलब बस पढ़ने बैठते हैं तो 5-10 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर थोड़ा फ़ोन चलाते हैं, फिर 5-10 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर 2 मिनट के लिए मतलब टीवी देखने चले जाते हैं या फ्रेंड से मस्ती इंजॉय या फैमिली के साथ। तो इस तरह से मतलब बीच बीच में जो आप मतलब स्टडी को मतलब लीव करके चले जाते हो ना, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये अगर कंटिन्यूसली आपकी स्टडी रहेगी तो आपको स्टडी में फोकस आएगा, फिर आप कभी भी स्टडी से कंसंट्रेशन नहीं मतलब हटा नहीं सकते, एंड डिस्ट्रैक्शंस तो आपका कभी होगा ही नहीं, मतलब आप पढ़ाई से दूर कभी जाओगे ही नहीं। तो आपको तो सबसे पहले ना सीरियस होना पड़ेगा, आपको फोकस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो गाइज, तो आपका बहुत अच्छा स्टडी हो सकता है और कभी भी आप स्टडी से डिस्ट्रैक्शंस नहीं ले सकते, हाँ हमेशा आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा स्टडी की तरफ। सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।